नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। कन्नौज में 17 अक्टूबर को छिबरामऊ क्षेत्र में सराफा व्यवसायी के साथ हुई लूट का पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने खुलासा करते हुए दीपक कश्यप पुत्र नवल किशोर कश्यप कानपुर निवासी को रात्र चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शातिर द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई थी और जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। रात का फायदा उठाते हुए दूसरा साथी लवकुश सिंह पुत्र बच्चू सिंह निवासी ग्राम कोटरा मकरंदपुर जनपद कानपुर फरार हो गया, जिसे पुलिस द्वारा दोपहर में गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के पास से 1,00,000 नगद, 80 ग्राम सोने चांदी के आभूषण, अपाचे बाइक, तमंचा, 3 खाली खोखे बरामद हुए हैं। अभियुक्तों ने छिबरामऊ सराफा व्यवसायी के साथ की गई लूट की वारदात को कबूल कर लिया है। दोनों अपराधियों पर दर्जनों मामले पंजीकृत हैं। कन्नौज से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। आज सुबह 30 अक्टूबर को थाना छिबरामऊ क्षेत्रांतर्गत जब प्रातः चेकिंग और गश्त की कार्रवाई चल रही थी, तो कुंवरपुर जनू में चेकिंग के दौरान दो व्यक्तियों ने जो बाइक सवार थे उनको रुकने का इशारा किया गया, तो इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ में उन पर गोली चलाई, तो इसमें एक अपराधी दीपक कश्यप को गोली लगी, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इसके पास से एक जेल, एक अपाचे बाइक, एक 315 बोर का तमंचा और 2 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस कार्रवाई में एक बदमाश लवकुश सिंह भागने में सफल हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था, जिसे दोपहर में गिरफ्तार करने में सफलता हुई। इसके पास से भी एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इन लोगों की पूछताछ में ये निकल के आया कि 17 अक्टूबर को थाना छिबरामऊ में हुई स्वर्ण व्यापारी के साथ लूट की घटना में इन लोगों की संलिप्तता थी। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि पूर्व से एक चेन लूट की भी घटना इन्होंने थाना छिबरामऊ में करी थी। इन दोनों ही प्रकरणों में मुकदमा पंजीकृत है। इसमें जो गिरफ्तार शुदा अभियुक्त है लवकुश, इसकी निशानदेही पे लूट की घटना से संबंधित लगभग 1,05,000 रुपये बरामद किए गए हैं। साथ ही लगभग 80 ग्राम सोने चांदी के आभूषणों की भी बरामदगी की गई है। इनका आपराधिक इतिहास लंबा है। इसमें दीपक कश्यप है, इसके ऊपर 22 मुकदमे पंजीकृत हैं जो लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट से संबंधित है। साथ ही इसमें लवकुश है, इसके ऊपर 12 मुकदमे लूट, 307 और आर्म्स एक्ट के पंजीकृत हैं। इसमें अभी इन्होंने पूछताछ में अपने अन्य साथियों के बारे में भी बताया है, जिसके बारे में विवेचना की जा रही है। थाना छिबरामऊ और SOG टीम ने मिलकर इन अपराधियों की गिरफ्तारी कर सफलतापूर्वक अनावरण किया है और इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। लवकुश कुंवरपुर जनू में जो घटना के बाद ये फरार हो गया था और इसको GT रोड पे थाना छिबरामऊ के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है।